इतना ज्यादा खतरनाक है। इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D की सिटी में आ चुका है स्कार किंग। बहुत कर लिए इस सिटी वालों ने मजे, अब ये पूरी की पूरी सिटी मेरे हाथों से खत्म हो गए। भाई मुझे जल्दी अपने घर जाना पड़ेगा, इतनी ज्यादा लेट हो चुकी है। आज ऑफिस में इतना ज्यादा काम था, कभी कभी इतनी ज्यादा जल्दी छुट्टी मिल जाती है और कभी कभी इतनी ज्यादा लेट हो चुकी है। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं अपने घर अभी जा रहा हूँ, मुझे बस जल्दी जाना है। मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मैं तो जाके ही सो जाऊंगा। वैसे भूख भी काफी ज्यादा लगी है, लेकिन मुझे तो सोना। वेट, ये कुमू क्या कर रहा है? अरे कुमू भाई, इतनी रात को तू हमारे एरिया में क्या कर रहा है? अरे डीटीएन, पहले तू बता इतनी रात को तू कहाँ से आ रहा है? अरे मैं तो वो ऑफिस से अभी आ रहा हूँ, आज काफी ज्यादा लेट छुट्टी मिली थी इस वजह से। भाई तूने रास्ते में कुछ अजीब सी चीज नहीं देखी? मतलब कुछ अजीब सा नहीं हुआ तुम्हारे साथ? क्या अजीब सी चीज? नहीं, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ है? अरे बताया जा रहा है कि इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D की सिटी में आ चुका है स्कार किंग, और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और बताया जा रहा है कि कल वो पूरी की पूरी सिटी को भी खत्म करने वाला है। क्या स्कार किंग? भाई तू कैसी बातें कर रहा है? अब हमारी सिटी में वो स्कार किंग कैसे आएगा? वो तो जंगलों में होता है और वहां पर ही रहता है, यहाँ पर तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो क्यों आएगा? अरे वो अपना रास्ता भटक गया था और इस सिटी में आ चुका है। इस सिटी के लोगों ने उसको परेशान किया, वो तुम्हें पता है वैसे भी कितना ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से वो पूरी की पूरी सिटी को अब नहीं छोड़ेगा। अबे भाई इतनी रात को तू मुझे क्यों डरा रहा है? मैं जा रहा हूँ, ये फालतू बातें मुझे मत बता। अच्छा तो तुम्हें ये फालतू बात लग रही है? ठीक है, तुम देखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा, फिर मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। अरे हाँ मैं देख लूंगा। भाई अजीब सी बात है, इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D की सिटी में अब कैसे आ सकता है वो स्कार किंग? इतनी रात को खुद बाहर घूम रहा है, ऊपर से मुझे भी डरा रहा है यार। मैं जल्दी अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ, जाके सो जाता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुमू जो भी बोल रहा था वो सारा का सारा सच बोल रहा था? लेकिन ऐसे कैसे वो आ सकता है स्कार किंग? भाई मैं जाके अपना सो जाता हूँ, इतना ज्यादा थका हुआ था, ऊपर से उसने मुझे टेंशन में डाल दिया, लेकिन मैं सो जाता हूँ। सुबह हो गई, क्या है यार मैं जब भी सोता हूँ इतनी जल्दी सुबह कैसे हो जाती है? लेकिन ठीक है अब सुबह हो चुकी है तो मैं जाके नहा लेता हूँ, लेकिन नहीं उससे पहले मैं न्यूज देख लेता हूँ, वो क्या चल रहा है सिटी में जो कल मेरा फ्रेंड बोल रहा था। मैं टीवी को कर लेता हूँ ऑन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D की सिटी में आ चुका है ये वाला स्कार किंग। बताया जा रहा है कि ये कल रात से इस सिटी में और आज पूरी की पूरी सिटी को खत्म करने वाला है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। अब हमारी सिटी का क्या होगा, मेरा क्या होगा? भाई ये तो सच्ची में स्कार किंग था, मतलब उसने सच्ची में सिटी के अंदर एंटर कर दिया। भाई मैं क्या करूं, मैं ऐसा करता हूँ जाके पुलिस वालों को बताता हूँ। यस मुझे ऐसा ही करना होगा, मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जाऊँ किसे, अपनी थार से या फिर अपनी फेवरेट स्प्लेंडर से? मैं ऐसा करता हूँ अपनी फेवरेट स्प्लेंडर को लेके जाता हूँ और सीधा पहुंचता हूँ वो पुलिस स्टेशन। लेकिन यार वो कितना ज्यादा खतरनाक था स्कार किंग, मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा। तब तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो। ओके 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 ओके। Right, मैं पुलिस स्टेशन तो पहुंच चुका हूँ, बस गाड़ी को यहीं पार्क करता हूँ और जल्दी जल्दी जाके मैं उनको बताता हूँ। अरे सर आप लोग को पता है? क्या क्या बताया मैं? अरे सर आप लोग को पता नहीं कि सिटी में इतना ज्यादा बड़ा खतरनाक स्कार किंग आ चुका है जो कल से पूरी की पूरी सिटी में घूम रहा है और आज तो वो पूरी की पूरी सिटी को भी खत्म करने वाला है और आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो? अरे वो तो हमें पता है, न्यूज में हम लोगों ने देखा है, लेकिन हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। भाई तू जा यहाँ से। क्या मैं क्यों जाऊँ पुलिस स्टेशन से? तुम लोग पुलिस वाले हो, जाके तुम लोग उससे लड़ो ना, पावर तो तुम लोग के पास है ना। मैं तो नहीं जाऊंगा आज पुलिस स्टेशन से जब तक तुम लोग जाओगे नहीं उसको फिनिश करने। अरे बोला ना हम नहीं फिनिश कर सकते, अगर तुम में ऐसा दम है तो चाह तू उसको फिनिश कर, निकल यहाँ से। हेलो बात ठीक से करो। हाँ मैं सिटी के बारे में ही तुम लोग को बोल रहा हूँ, अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा तू चुपचाप निकल जा, नहीं तो अभी कभी यहीं के यहीं फिनिश कर दूंगा तुम्हें। अरे ऐसे कैसे फिनिश करेगा, मैं तो तुम लोग को अपनी सिटी के बचाने के बारे में पूछ रहा हूँ, तू नहीं बचेगा। अरे मैंने थोड़ी ना बोला है, इसने बोला है। अच्छा तो तू है? हाँ भाई तू क्या करेगा, मुझे फिनिश करेगा, मैं तुम्हें यहीं के यहीं फिनिश कर दूंगा। अच्छा बच्चू मुझे फिनिश कर, क्या करके दिखा। मैं तुम्हें फिनिश कर दूंगा। अबे गलती से फायर हो गया और उसको लग गई। भाई अब तो मैं गया। शिट भाई सारे के सारे फायर कर रहे, अब तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, इन तीनों को फिनिश करते, तू और फायर कर रहा है इसको फिनिश करना पड़ेगा। भाई मैंने तो ऐसी ही अपनी गन निकाली, वो गलती से फायर हो गया, अब तो सभी को फिनिश करना पड़ेगा। एक और कहां गया? या फिर सारे के सारे मैंने फिनिश कर दिए, मुझे यहां पे कोई पुलिस वाला दिख तो नहीं रहा है, यहां पे भी फिनिश पड़े हुए और यहां पे सारे फिनिश है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि एक और है जो कि मैंने फिनिश नहीं किया। ओ यस ये रहा, ये रहा, मुझे इसको भी फिनिश करना पड़ेगा। और चल भाई जल्दी जल्दी फिनिश हो जा, मेरी हेल्थ जा रही है। और यस ये गया। वेट,
मुझ पे 3 स्टार्स लग चुकी और मेरी हेल्थ इतनी सी बची। ओ शिट, पुलिस की कार्स भी आ गई। भाई बस वो मुझे देख ना ले, मैं अपनी गन तो ले लेता हूँ लेकिन नहीं देख रहा, उस साइड भी चला जाए, मैं अपनी बाइक लेके जल्दी से भाग जाता हूँ। भाई गलती से एक फायर हो गया और मैं इतना ज्यादा गंदा फंस गया, बाहर पुलिस ही पुलिस होगी। ओ उसने मुझे देख लिया, शिट शिट वो मुझ पे फायर कर रहा है, मेरी हेल्थ जा रही है इतनी सी हेल्थ। भाग भाग भाग, मैं इस साइड से भाग जाता हूँ, एक और पुलिस की कार आ गई। भाई अब मैं कहाँ भागूं, हर जगह से तो इतनी सारी पुलिस की कार आ रही है, अब मेरे पास एक ही रास्ता है, सिटी से काफी ज्यादा दूर भाग जाता हूँ। ये ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये पुलिस की कार मेरा पीछे ही नहीं छोड़ेगी पूरी पूरी सिटी में। अब तो आगे पीछे से कार आ रही है, पीछे से पुलिस की कार से आगे से पुलिस की कार आ रही है, और कितनी स्पीड में आ रही है, एक और सामने से आ रही है, बस ये मुझसे टकरा है ना। यस मैं इससे साइड से आ चुका हूँ। ओ शिट वो कहाँ से गई। भाई ये कितनी ज्यादा खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर मैं इनसे टकराया फिर तो मैं गया। एक तो मेरी हेल्थ नहीं है और मैं सिटी से इतना ज्यादा दूर भी आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये पुलिस वाले मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब मुझे काफी ज्यादा दूर भागना पड़ेगा। अबे पुलिस की कार कहाँ से आई। नहीं नहीं एक और पुलिस की कार आ रही है और इसने फिर से मुझे टकराया और ये मुझ पे फायर करेंगे, अब तो मैं गया। लेकिन शायद से मैं बच जाऊँ, मेरी बाइक आ गई, ये बाइक में अपनी बाइक में जल्दी बैठता हूँ और जल्दी से भाग जाता हूँ। ये कैसे अटकी है। भाई सीरियसली मैं ये तो पुलिस की कार के नीचे अटक चुकी, मैं ऐसा करता हूँ ये पुलिस की गाड़ी ही लेता हूँ। जल्दी जल्दी बैठ, बस मेरी हेल्थ गई, जल्दी जल्दी। A few moments later, फाइनली पुलिस की गाड़ी लेके मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर आ गया, और अब तो काफी ज्यादा दूर हूँ, यहाँ तक तो वो पहुँच भी नहीं सकते, लेकिन स्टार तो मुझ पे अभी भी लगे। मैं ऐसा करता हूँ सामने की तरफ जो बीच मुझे नजर आ रहा है ना, मैं यहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क करके यहीं पर ही वेट करता हूँ। ये मेरे लिए सेफ एरिया है और मैं बस वेट ही करता हूँ जब तक मेरे सारे के सारे स्टार हट ना जाए। तब तक मैं ऐसा करता हूँ अपने फ्रेंड कुम्मू को बोलता हूँ अपनी बाइक लेके जाए, मेरी तो पता नहीं कहाँ पर फंस गई और मैं पुलिस की कार को ही लेके आ गया। अब फिर से भी इसको लेके जाऊंगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सो जिसे मैं उसको कॉल करता हूँ। हेलो, अरे कुम्मू मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ पर तू अपनी बाइक को लेके आ। लेकिन हुआ क्या है। अरे भाई बस तू जल्दी आ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है। Two hours later, भाई मैं कब से वेट कर रहा हूँ लेकिन ये आ ही नहीं रहा। कुम्मू वेट वो है क्या। हाँ शायद से यही है, मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ। अरे भाई कुमू तू यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं तुम्हारा वेट कर करके वहाँ पे थक गया। अरे तू मुझे बता, तू कहाँ पता, मैं यहाँ पर वेट कर करके थक गया हूँ। अरे भाई मैं तो वहाँ पर ही वेट कर रहा था, तुम्हारा जो पुलिस की कार दिख रही है ना वहाँ पर। अरे मैंने समझा वो कोई पुलिस वाला है, इस वजह से मैं उसके पास ही नहीं आया। अच्छा भाई अब ठीक है, मैं तुम्हारी बाइक लेके जा रहा हूँ, तू वो पुलिस की कार लेके जाना, पुलिस स्टेशन वालों को दे देना। मैं जा रहा हूँ सिटी के पास, जाके देखता हूँ इस कार किंग क्या कर रहा है यार, उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे हाँ और उसका मुझे सॉल्यूशन भी मिल चुका है कि उसको फिनिश कैसे करना है। क्या सॉल्यूशन, बता बता कैसे फिनिश करना है उसको। अरे बस आरजी स्टूल के अंदर उसको अपनी थोड़ी सी सिचुएशन बता और आरजी स्टूल तुम्हें अपने आप ही बताएगा उसको फिनिश कैसे करना है क्या करना है। बस तू आरजी स्टूल के अंदर टाइप कर, उसको बता अपनी सिचुएशन। अच्छा ठीक है भाई मैं बताता हूँ उसको। चलो भाई मैं जल्दी जल्दी अपना आरजी स्टूल निकालता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ, मुझे अपनी सिटी की सिचुएशन बतानी है तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ हेल्प स्कार किंग अटैक ऑन माय सिटी। यस ये ठीक रहेगा और इससे आरजी स्टूल को पता भी चल पाएगा, तो मैंने टाइप कर लिया है हेल्प स्कार अटैक ऑन माय सिटी। ओके अब मैं इसको करता हूँ डन। फाइंड दिस, और ये तो गॉडज़िला का कॉस्ट्यूम है, लेकिन ये है कहाँ पर। ओ जहाँ पर रैंप्स होते इतने सारे, वहाँ पर एक जो बड़ी बिल्डिंग है उसके ऊपर है। चलो भाई मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। अरे कुमू थैंक यू भाई मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है जल्दी जा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई, बस तू जल्दी पुलिस की कार लेके जाना, मैं भी जा रहा हूँ। लेट्स गो, मुझे जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुंचना पड़ेगा और उस वाले गॉडज़िला के कॉस्ट्यूम को कलेक्ट करना पड़ेगा। बस मैं जल्दी जल्दी पहुंचता हूँ, तुम लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऑलराइट मैं उन वाले बिल्डिंग्स के बीच में तो पहुंच चुका हूँ जहाँ पर काफी सारे रैंप्स होते हैं, अब बस मुझे वो वाली बिल्डिंग ढूंढनी है, बस वो मुझे मिल जाए। ओ मिल गई शायद से यही वाली बिल्डिंग है मुझे जितना लग रहा है, लेकिन एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। यस मुझे तो यही लग रही है क्योंकि ऊंची से ऊंची भी यही है, बट इसको कौन सा रैंप लग रहा है जिसके मैं ऊपर से जा सकता हूँ, मुझे वहां पर जाके देखना पड़ेगा इससे कौन सा रैंप अटैच है। ओके मैं सेंटर में तो आ चुका हूँ, यहाँ पर काफी सारे रैंप्स है जो कि अलग अलग बिल्डिंग से अटैच है, बस मुझे इससे देखना है ये। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यही तो है और ये किसी बिल्डिंग से लग रहा है, वेट मुझे देखना पड़ेगा। भाई ये तो इस वाली बिल्डिंग से भी अटैच है, मतलब वहां से स्टार्ट होगा, ये जा रहा है उन दोनों बिल्डिंग्स के ऊपर और वहां से स्टार्ट, मतलब मुझे उस वाली बिल्डिंग के ऊपर पहुंचने के लिए 3 और बिल्डिंग्स के ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ
यहाँ से स्टार्ट करके। बट ठीक है, मुझे जैसे तैसे करके वहाँ पर पहुँचना है, तो इन सारी बिल्डिंग्स के ऊपर से मुझे गुजरना पड़ेगा। ओके, तो मैं इस वाले रैंप के पास पहुँच चुका हूँ, बस मुझे आराम आराम से जाना है और यहाँ से जंप करना है। यस यस यस, बस मैं आगे ना चलाऊं, मेरी ब्रेक लग जाए, बस ब्रेक लग जाना प्लीज प्लीज प्लीज। और यस, ब्रेक लग चुकी है, अब मुझे और ऊपर जाना है। यार अलग से रैंप उसके साथ अटैच होता, मैं इजीली चला जाता, लेकिन अब इन सारी बिल्डिंग्स को पार करके वहां तक पहुंचना है, मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एक तो ये सिंगल रैंप से अब मैं थोड़ा सा भी इधर उधर गया मैं गिर जाऊंगा। एक सेकंड, अब मुझे कहां जाना है? इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, शायद से इस साइड जाना है, क्योंकि यहां पर बिल्डिंग है। यस, मुझे इसके ऊपर जाना पड़ेगा। मेरी बाइक फंसी, चली जा, फंसना मत, जाना जाना। यस यस यस, और यस इस वाली बिल्डिंग के ऊपर आ गया। अब मुझे क्या इस वाले रेड कंटेनर के ऊपर जंप करना पड़ेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मैं देखता हूँ। ये रेड कंटेनर तो पता नहीं कहाँ जा रहे, वो बिल्डिंग तो इस साइड पे, मुझे तो नहीं लगता ये रेड कंटेनर ऑफ है। जैसे इस साइड पे एक और कंटेनर जहाँ से मुझे उतरना है। यस, ये रहा। ओ भाई, ये कितना ज्यादा खतरनाक है, लिटरली में मुझे बिल्कुल नीचे जाना पड़ेगा। और मेरी बाइक इधर उधर गई, मैं तो गया। ओके, मैं अपनी बाइक को तो लेके आई और मैं फर्स्ट पर्सन कर लेता हूँ, ताकि मुझे नीचे का अच्छे तरीके से नजर आए। देखो ऐसे तो अगर मैं नीचे गया मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा और मैं इधर उधर भटक जाऊंगा, मुझे फर्स्ट पर्सन करना पड़ेगा। यस, तो मैं फर्स्ट पर्सन कर लेता हूँ और अब देखो मुझे बिल्कुल नीचे का सारा दिख रहा है। अब बस मुझे आराम आराम से जाना है, जाना है। यस यस भाई, फर्स्ट पर्सन पे तो बिल्कुल लीजिए। अब मैं जल्दी से इन सारे के सारे रैंप्स को कंप्लीट करता हूँ और आखिर बिल्डिंग के पास पहुंचता हूँ। ओके, ये आई थिंक लास्ट रैंप है जो कि उस वाली बिल्डिंग के पास जाके मुझे पहुंचाएगा। मुझे जल्दी जल्दी जाना है बस, लेकिन मैं कंफर्म तो कर लूं, ये वाला रैंप इस साइड जा रहा है या फिर सीधा जा रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, सीधा जा रहा है शायद से। चलो भाई, तीन बिल्डिंग्स को पार करके फाइनली मैं इस वाली बिल्डिंग के पास पहुंच ही गया। अब बस ये लास्ट रैंप है, तो मुझे ध्यान से पूरा का पूरा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अगर मेरी बाइक इधर उधर गई, मतलब मैं भी गया। ओके, ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ, बस ये रही इसकी छत। अब बस मुझे यहाँ से ऊपर जाना है और उस वाले गॉडज़िला के कॉस्ट्यूम को कलेक्ट करना है। फाइनली ये रहा वो गॉडज़िला का कॉस्ट्यूम, और भाई ये कितना ज्यादा खतरनाक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कलेक्ट। चलो, मैंने गॉडज़िला के कॉस्ट्यूम को तो कलेक्ट कर लिया, अब ये मुझे क्या हो रहा है? शिट भाई, नहीं नहीं, ये क्या हो गया? फाइनली मैं बन चुका हूँ इतना बड़ा खतरनाक गॉडज़िला। अब तो उस वाले स्कॉर्पियन को मैं नहीं छोड़ूंगा, अब तो वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अरे तू मेरा क्या कर लेगा बच्चू, तू मेरे सामने बच्चा है, अगर हिम्मत है तो इस एयरपोर्ट वाली लोकेशन पे आ। अबे मुझे बच्चू बोल रहा है और मुझे धमकियां दे रहा है, अब तो मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ और उसको मैं देखता हूँ। हाँ तो गॉडज़िला तू आ ही गया मेरे सामने। हाँ आ गया, क्या करेगा? अरे तू ये लात खा। अबे मुझे लात मारी, तू मेरी पावर खा। John Cena!